टॉपर्स वाला टैग, वो पेरेंट्स की से वो रिजल्ट कर ले देंगे, उस पर मैं छत पे अपनी फोटो, सब कुछ तुम अचीव कर सकते हो अगर तुम मुझसे भी प्रॉमिस करो कि भैया मैं इस साल क्लास 10 में फोड़ निकलने तैयार हूँ, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और या फर्क नहीं पड़ता तुमने 7 तक 8 तक 9 तक कैसे मार्क्स अचीव किए, लेकिन अगर इस साल तुम क्लास 10th में तुमने सोच लिया है कि भैया मुझे 95% 98% लाने हैं, तो दोस्त मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल ला सकते हो। तुमने अभी तक स्टडी नहीं की या जो पढ़ा वो अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन तुम अब से पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि गाइस मैं हर सारे वर्टी टू गाइडेंट टू फ्रेंड आज इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। स्पेशली हम बात करेंगे बुक्स की, कौन सी बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और यार एज ए 97.8% स्कोर मैं तुम्हें हर वो इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हें इस साल टॉपर बना के छोड़ेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है गाइस कि आपको इस साल एक भी ऐसी गाइडेंस मिस आउट नहीं करनी चाहिए जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आपका रिजल्ट पर, ठीक है। एंड स्पेशली फ्रॉम समवन हु इटसेल्फ स्कोर 95%+, ठीक है। तो देखो गाइस सबसे पहले मैं आपका एक डाउट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या कि आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए चार चार बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, और वो तुम जानते हो यार कौन सी, अपनी एनसीईआरटी। हाँ गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, अब ये नहीं कि बाकी बुक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी भी है, लेकिन देखो एक रिसर्च कहती है कि अगर एक बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ता है, सिर्फ एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेता है, तो वो क्लास 10th में 90% अपने सिक्योर कर लेता है, ठीक है। और बाकी के 10% जो है गाइस वो आते हैं आपकी अदर बुक्स को अच्छे से पढ़ने से, ठीक है। और ये सिर्फ वही बच्चा अच्छे से पढ़ता है जो टॉपर बनना चाहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब टॉपर बनना ही चाहते हो, ठीक है। तो देखो इसमें आज गाइस हम सभी सब्जेक्ट की बुक्स के बारे में जानेंगे कि कौन से बुक्स आपकी ये परफेक्ट होंगी जिससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो यार पूरा कंफ्यूजन खत्म करने वाले हैं हम बुक्स का, ठीक है। तो देखो हम सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे, आपके मैथ्स की, साइंस की, सोशल की, इंग्लिश और हिंदी की भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस साइंस की। तो देखो साइंस में आपको जो है गाइस, चलो इससे भी पहले एक बात सुनो, क्या कि गाइस टेलीग्राम जो चैनल है वायलेट स्टडी के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपको बहुत सारा क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें बेसिकली मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जो है आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है इस साल जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो अब हम करते हैं अपनी साइंस की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि भाई हमें 95+ अगर स्कोर करने हैं तो कौन से बुक्स हमारे लिए परफेक्ट होंगे, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले आपको दो बुक्स तो लेनी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो चलो एनसीईआरटी तो तुमको होगी, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी एक पतली सी बुक आती है, इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे देन उसके बाद आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो गाइस ये दो बुक्स आपको होनी चाहिए, और यार मैंने कहा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें तुम्हें जो है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसकी पीडीएफ में पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है, तो उसे देख लेना, ठीक है। तो देखो आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करनी है, लेकिन इसके अलावा गाइस आप ऑल इन वन या पोस्ट वाले क्वेश्चन बैंक है इन्हें जरूर लेना है, मतलब इनमें से एक आपको लेनी है, क्यों, क्योंकि देखो आपके कंसेप्ट होगा इस पक्के हो जाएंगे, आप वीडियो लेक्चर देख लोगे है ना, और देन एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, एग्जाम्पलर से थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। लेकिन गाइस आपको बहुत ज्यादा नीड होगी किसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो उसकी देखो वैसे आप चाहो तो ये क्वेश्चन बैंक ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वो भी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो चलो हमने ये जाना, और गाइस देन इसके बाद आपको अगर कोई रेफरेंस बुक मतलब लेनी है तो गाइस आप ये एस चंद ले सकते हो, लेकिन इसमें मेरी एक बात याद रखना, क्या कि देखो अगर आप चाहते हो क्लास 11th में जाके जेई नीट की प्रिपरेशन करना, तो उसके लिए आपके जो ये बेस है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी, लेकिन अगर हम इसे बोर्ड एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से देखें तो गाइस इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। इनफैक्ट आप जो भी रेफरेंस बुक है ना उसका ज्यादा यूज नहीं हुआ, क्योंकि देखो आप अगर कंसेप्ट अच्छे समझ ले तो क्वेश्चंस लगा ले तो इस क्वेश्चन बैंक से, तो गाइस आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी देखो आप देख लेना, अगर आप इलेवेंथ में जाकर करना चाहते हो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो जेई नीट के लिए, तो आपको ये बुक जो है एसेंड आप इसे ले सकते हो, ठीक है। वैसे देखो मैं अपना बताऊँ तो मैंने ली थी, और देन तब भी साइंस का 100 स्कोर था। तो गाइस आप यहाँ से क्या समझ सकते हो कि देखो ये मैटर नहीं करता कि बुक्स आपके लिए कौन से परफेक्ट है, ये मैटर करता है कि आप उन बुक्स को कितना परफेक्टली पढ़ते हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पूरे साइंस का हमने जाना कि देखो आपको साइंस कौन कौन से बुक्स यूजफुल है, एक बार और जानो, क्या एनसीईआरटी होनी चाहिए जो कि होगी आपका, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देन गाइस एक क्वेश्चन बैंक आपको लेनी है, ठीक है। तो बस अगर आपके 3 बुक्स हैं तो बहुत है आपके लिए साइंस में 95+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो चलो इस साइंस की बात हुई, चलो गाइस अब हम जानते हैं सोशल साइंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी की, अगर आप इसमें 95+ स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए कौन से ज्यादा बुक्स बेनिफिशियल होंगी। तो देखो
सबसे पहले तो आपके पास जो 4 NCERT है ना, वो अपने आप में इनफ है। हाँ, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की नीड नहीं है। देखो, ये आपके जो 4 NCERT है ना गाइस, आपने वीडियो लेक्चर देखा, ठीक है। पहले तो देखो, मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ो, इसका एक वीडियो लेक्चर देख लिया करो, क्योंकि आपके कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे। बाकी आप अपने स्कूल टीचर वगैरह से समझो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो देखो, आपने सपोज एक वीडियो लेक्चर देखा, देन उसके बाद आप करो एनसीईआरटी रीड, ठीक है। उससे आपको थोड़ा अच्छे समझ में भी आएगी, ठीक है। लेकिन गाइस क्या होता है, इसमें एक दो बार बच्चे पढ़ने पे मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, इससे समझ में नहीं आ रहा है, हम किसी रेफरेंस बुक पर चल जाएं। लेकिन गाइस ये गलती हो जाती है, आपकी एनसीईआरटी में इतना कुछ कवर है कि आपको जो है रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है नहीं। स्पेशली SST में गाइस आपको ये आदत बनानी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है तुम्हारी 9th तक आदत नहीं हो बुक्स को रीड करने की, लेकिन गाइस यही तो चैलेंज है, यही तो करना है, और यही हैबिट आपको बनानी है इस साल। स्पेशली SST में गाइस आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी रीडिंग की नीड है, तो आप अपनी इन्हीं 4 बुक्स को जितना अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, ये वाली मैंने SST की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं है, इसमें गाइस ये बुक्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे बुक्स थी, तो गाइस आपको कुछ इस तरह ही पढ़नी है अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखो, एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे, लेकिन इसके अलावा आपको आगे जाके गाइस जरूरत पड़ेगी रेफरेंस बुक की, नहीं एक क्वेश्चन बैंक की। हाँ, देखो, मैंने साइंस में भी कही है, SST में कही है गाइस, स्पेशली SST में क्वेश्चन बैंक आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, एंड लास्ट टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब आपके सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद गाइस आपको नीड होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वो कहाँ से होगी, इससे होगी, ठीक है। तो आप जितने मतलब पहले तो सही अपने जो है एनसीईआरटी रीड कर लो अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद आप थोड़ा जो है क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, उसमें गाइस आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और स्पेशली लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, और कुछ सैम्पल पेपर भी उसमें होता है गाइस, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो बस SST में आप सिंपली रखो क्या कि अपनी 4 NCERT है, वो बहुत है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई रेफरेंस बुक की नीड नहीं है, अगर आप पे है तो आप उससे पढ़ सकते हो, लेकिन गाइस आपकी यही 4 बुक इतनी है कि आप इन्हें पढ़ते पढ़ते मतलब अच्छे से पढ़ो, तो यही काफ़ी अपने आप में, ठीक है। तो चलो, यह हमने SST का जाना, अब जानते हैं गाइस मैथ्स के लिए, कि मैथ्स में अगर आप चाहते हो 95+, तो देखो गाइस मैथ्स में बेसिकली मैंने 2 टाइप के बच्चे देखे हैं, एक तो जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, और एक जो मतलब अच्छे से पढ़ते हैं और 95+ स्कोर करते हैं। तो मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी में हो, लेकिन आप समझ सकते हो, देखो अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको एनसीईआरटी तो अपनी बहुत अच्छे से करनी है, एक दो नहीं मतलब कई बार आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो गाइस मैथ्स पूरा सब्जेक्ट कहता है कि भाई मुझे चाहिए प्रैक्टिस। हाँ, अगर गाइस आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और मैं स्पेशली आपको गाइड करूंगा कि आप मैथ्स को गाइस डेली पढ़ा करो, आधे घंटे सही, थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके डेली लगाया करो, तभी आपके गाइस बहुत अच्छे प्रिपरेशन होगी। और देखो, ये मतलब तुम्हें जब तुम डेली प्रिपरेशन करोगे, डेली मैथ्स को पढ़ोगे, डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो गाइस आपके बोर्ड एग्जाम्स फरवरी मार्च में है ना, तो आपको जनवरी तक इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरे मैथ्स में स्पेशली मैथ्स में 95+ कहीं नहीं गए। और देखो, यही मैथ्स की खूबसूरती है कि आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है ना। तो बस आप देखो, मैथ्स में जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करना। चलो, एनसीईआरटी तो आपने पढ़ ली, उसके अलावा गाइस आपको इसमें भी जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगानी है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्या होता है ना, थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, तो उससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो मैथ्स में गाइस आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और इसके अलावा गाइस आप पूछोगे रेफरेंस बुक, तो देखो RS अग्रवाल और RD शर्मा, ये 2 बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक यूज करना। लेकिन देखो, मैं कहूँगा RD शर्मा गाइस, आप अगर अपने आप को देखो, हम सब जानते हैं, अगर आप जानते हो अपने आप को कि आप जो डेली स्टडी करते हो और जो है मतलब अच्छे से पढ़ते हो, मतलब काफ़ी अच्छे टाइम तक पढ़ते हो, तो आप RD शर्मा लगाना, क्योंकि अदरवाइज का ऐसे काफ़ी टाइम क्या होता है, बच्चे इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो वो टाइम वेस्ट ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप चाहो तो ये RS अग्रवाल जो है ज़्यादा प्रेफर करना, ठीक है। तो चलो गाइस, हमने मैथ्स में भी जाना, और गाइस देखो इसके अलावा जो हमारे 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कौन से, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस देखो, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली अपनी एनसीईआरटी तो उठानी है। इसके अलावा गाइस, जो आपके स्कूल टीचर है आपको नोट्स लिखवा रहा है, ठीक है, आपको उन्हें बहुत अच्छे से लिखते हुए चलना है, स्पेशली नोट्स आपको सभी सब्जेक्ट में बनाने, लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में। इसमें आपको देखो बुक्स की नीड नहीं है, लेकिन हाँ, एक जो आपको इसमें भी चाहिए, आप ऑल इन वन इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो ग्रामर सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपके एनसीईआरटी तो आप पे है ही, ठीक है, और जो आपके स्कूल टीचर नोट्स लिखाएगा उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो गाइस बुक्स का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि अब वो टाइम है कि अब आपको जो है ना, देखो प्लान्स तो आपने बना लिए, बुक्स आपने जो इकट्ठे कर लिए, अब टाइम है उन बुक्स को अच्छे से पढ़ने का, और जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो
तो बस गाइस इन सब बातों का ध्यान रखना, यही हमारी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। और जो हमने देखा इसमें देखो, तो स्ट्रेटेजी तो बेसिकली क्या है, अब मैंने सेपरेट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मेरा मोटिव था कि आपकी ये जो बुक्स कन्फ्यूजन है वो खत्म करूँ, ठीक है। तो आई होप आपका बुक्स कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो बस यार यही आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि देखो क्लास 10th में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। हाँ गाइस आप कर जाओगे, बस क्या चाहिए आपको, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो कैसा आएगा कि आपको जो है अच्छे से स्टडी करते हुए चलना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी पोजीशन क्या है। और जब वो अंदर से मोटिवेशन रहेगी ना, तो गाइस आप खुद ब खुद जो अपने आप को 95% लाते हुए देख रहे होगे, ठीक है। तो बस यार एक बार और कमेंट में लिख दो कि अगर आप लाना चाहते हो क्लास 10th में 95%। देखो आपको इस साल मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहो, कमेंट में लिख दो यस आई वॉन्ट टू स्कोर 95%, ठीक है। तो बस गाइस यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आई होगी। और कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या मैं आपको इंस्टा का जो लिंक दे रखा है और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में, मिलूंगा मैं आपसे अगली ऐसी सपोर्ट अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बना रहो अपने प्यारे वैलेट स्टडी के साथ।